हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियांशु सिंह एंड वेलकम टू माय व्लॉग। यार तो आज मैं डाल रहा हूँ एक वो वाला व्लॉग जो खिचड़ी है, जो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों की। जैसा मैंने बोला था कि मैं ये वाले व्लॉग में दो तीन व्लॉग जो पहले के बचे हुए हैं वो सारे निकालूंगा, इसके बाद से फ्रेश व्लॉग डालूंगा। तो ये वाला व्लॉग खिचड़ी है जो पहले के शूट के बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे शूट में हम चेंजेस हैं जिस करे थे उनकी फुटेज है। तो आप ये वाला व्लॉग इन्जॉय करें, इसके बाद से मैं तुरंत ही डालूंगा फ्रेश व्लॉग और भी देखना, मुझे भी एंजॉय करना। फिलहाल के लिए ये वाला एंजॉय करो, खिचड़ी। आज फोटो खिंचवा रहे हैं, कल से अपनी खिंचवाएंगे। मैडम सर के ठाणे को चंद्रमुखी चौटाला स्टाइल में चलाएंगे। अरे बालकों इस्माइल, ओके कट, एक मिनट। हाँ एक मिनट, गुल्की वहीं करेंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया इंसान, कितना बिजी हो गया मोबाइल में इंसान। ये खुद तू इंसान देख रहा है, मोबाइल पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। मेरा चलेगा, मैं क्या कर रही है रे? मैं चेहरा दिखाऊंगी अब इसके व्लॉग में। अरे नहीं नहीं मत, वो भी इंसान बिजी है, ये भी इंसान बिजी है। मेरा बाय माँ, चेहरा दिखाई जरा। दौड़ते हुए जाऊंगी। वन रुक जा, वन से वन टू थ्री। हाँ वन टू थ्री, मैं कुछ भी उल्टा आड़ा टेढ़ा करती हूँ। प्लीज हाँ हाँ डिफेंडर। अरे सुनो एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो दादा? एक बहुत मोटी सी मक्खी घुस आई कमरे में। अच्छा क्या करूँ मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, इतनी हैपनिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है। वो खाते पीते हैं सोचते नहीं, हम दिमाग पर भी चलते हैं। चलो अब आराम से शॉर्ट का वेट करते हैं। आपका सोते हैं, मक्खी का शिकार हो गया, अब जाएंगे घर पे और हम पत्थरों से घिस कर आग जलाएंगे, मक्खी रोस्ट करेंगे और खाएंगे। हम लोग आदिवासी हो गए, मैं अतली सो ही गया हूँ। मक्खी मर रहे को बात क्यों रही है? क्यों क्यों ऐसी शक्ल की बना रही है? तो क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसी शक्ल बनाई हुई है? निकल ले निकल ले। क्या क्या हुआ क्या हुआ? अरे यार खा ले। अरे पर अजय भाई का जूठा खाने के बाद से ऐसा क्या गंदी शक्ल बनाना? हेलो अजय, पूरा जीभ करके खाएंगे। कैसे खाया था उन्होंने? अजय भाई ने कैसे खाया था? नॉर्मल लोग ऐसे ही खाते हैं। एग्जैक्टली सैनिटाइजर डाल। पैसा नहीं देता कोई अपने को। अभी आया जी। कैसे हैं आप? हाय कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। फिरोज भाई आप कैसे बताएं आप? थैंक यू थैंक यू। ये सब फैंस फैंस की बदौलत है यार, हम तो क्या कोशिश करते रहे। काम इतना अच्छा कर रहे हैं,
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो सबसे बेहतरीन करते हो ना बच्चन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन टू डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अपने व्लॉग में इसको रिकॉर्ड करने करके रखना चाहता हूं, ताकि आज से 10-15 साल बाद भी अगर जब जब भी मैं उसको देखूं तो मुझे आपकी याद आए। कोशिश करता हूं। मिस्टर कर्नल लॉर्ड साहब, आपसे क्या जुर्माना भैया, बस वो सोच लीजिए कि हमारे घोड़े का आप घोड़ी के साथ नहीं छोड़ेंगे। दीवाना हो गया है, कहता है भैया शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा वरना शादी नहीं करूंगा। भाई ये कहते हैं एक बार हमारे घोड़े को देख कर शादी कर जाओ वरना माफ करना हमारा घोड़ा आपकी घोड़ी को। कैसा लगा बट्टू गुड बच्चन साहब? बच्चन साहब दिस इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन बना भाई। तो क्या भाई आज जो है हमारा शहर जो है दान से लम्बे जो है पार कटारी अरे अधिया हमसे मिला लेना भाई ये अरे तुम्हारे कहा कि जो है हम जो है पान लगता है और छोटा मुंडी है थोड़ा बच्चे हम दान नहीं बन पाएंगे। बकवास करते हैं आप लोग, इस तरह की बात करते हैं मार डालो, लेकिन मैं अपने पश्चिम क्या बात है यार माता से तुम्हारी बंद किसी ने किसी और जो जिंदगी बढ़ जाती है लेकिन तुम्हारे मन में कितने जगह नहीं हो रहा था हो रहा था जिंदगी और मौत के दरवाजे पर खड़ी है तुम्हारे तुम्हारे साथ कौन सा कसूर कौन सा पाप कौन सा गुनाह खींचा दे रहे थे क्या उसका गुनाह यह है कि मेरी माँ वेरी गुड माँ कसम माँ का बाप का दादा का सबका कसम खा के था मैं इससे अच्छा अमिताभ बच्चन को कोई नहीं कर सकता था। क्या बात है थैंक यू फिरोज भाई थैंक्स अ लॉट यार। लड़कियों में बबीता खाने में पपीता और गाने में 10 पसीता तीनों मेरा फेवरेट है। इज माय बॉय लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी